My son. Daddy, मुझे भी कब मिला है? तुम्हें किसके लिए मिला है? कबड्डी में. कबड्डी में? तुम पढ़ाई में कब कब लेकर आओगे? प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखाओ. दिखाओ. इतने कम मार्क्स. पढ़ाई में लास्ट, कबड्डी में फर्स्ट. मैंने भगवान से लायक बेटे की मांग की थी, तुम तो बिल्कुल नालायक निकले. हेलो. कौन था भाई साहब? सूरज भांजी थे. कुछ परेशान लग रहे हैं, बताइए ना भाई साहब. बॉर्डर में मेरे दोस्त मेजर को पाकिस्तानी फौज ने युद्ध कैदी बना लिया है भाभी. वाला निकल गया है, सभी जानते हैं. जिन्होंने डिपॉजिट किए हैं बैंक में, उन लोगों की बात आप भी सुनिए. डाउन डाउन सुनिए, शांत होकर पहले मेरी बात सुनिए सब लोग. इस तरह चिल्लाने से कुछ हासिल नहीं होगा. प्लीज जरा मुझे बोलने को दीजिए. आप लोग मेरी बात सुनिए, जो चाहे कर लो तुम लोग, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते. हालात को समझे बिना इस तरह हंगामा करने से समस्या का हल नहीं होता. जाओ, जाके रिजर्व बैंक से पूछो. जाओ, सब जाओ यहाँ से. जोड़ के गुजारिश कर रहे थे तो तूने नहीं बताया. अब चाकू रख के गले पे पूछता हूं, बता हमारा पैसा देगा नहीं? बता पैसा देगा कि नहीं? मिस्टर ड्रॉप द नाइफ, वरना हमें तुम्हें अरेस्ट करना पड़ेगा. मुझे परवाह नहीं, आत्महत्या से हत्या करना ठीक है. ए सुनो, लाओ हमारा पैसा, लाओ, तुरंत वापस करो. दूर रहो,
छोड़ रहा। हमारा पैसा दे गया नहीं। कांस्टेबल पकड़ो इसे। सर इसने हमारा घर उजाड़ दिया सर। शुक्रिया आपने समय पर आकर मुझे बचाया। उसे मैं बाद में देख लूंगा। जरा मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलेंगे या? श्योर कम ऑन कम ऑन। ये क्या यहाँ क्यों लाए? एनकाउंटर करने के लिए और क्या? आपको शायद मेरे बारे में मालूम नहीं। तुम्हारे बारे में जानने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। शक्ल से ही चोर लगते हो। मिडिल क्लास लोगों से तुमने डिपॉजिट्स लिए और उन पैसों को करोड़पति लोगों को लोन के रूप में दिए। बैंक का दिवाला निकलवाया। सिगरेट पीने से कैंसर होता है, दारू पीने से लीवर खराब होता है, लेकिन तुम जैसे खतारों की वजह से सोसाइटी खराब होती है। तेरे पास सेलफोन तो होगा? क्यों फोन आएगा क्या? कहां से आएगा? इधर से या उधर से नहीं भाई, डायरेक्ट सीएम के ऑफिस से आएगा फोन। नंबर तो देख लो। हेलो चेयरमैन साहब को। जी वो चेयरमैन तो सॉरी सर 5 मिनट पहले ही एनकाउंटर में मारा गया। चेयरमैन बोल रहा हूँ, एसपी रंजीत कुमार ने माथुर लॉकर की चाबी दो मुझे। सिक्योरिटी के बिना तुमने 50 करोड़ का लोन जीके को दिया। कौन है ये जीके? मुझे मालूम नहीं। हेलो जानते हो मैं कौन हूं? जीके। अबे अगर तू जीके है तो मैं ईके हूं, एनकाउंटर किंग। क्यों भाई एमएलए, पेपर में क्या लिखा है देखा तुमने? अच्छी तरह देखा है, रंजीत कुमार की खूब बड़ाई की है। कौन है भाई वो रंजीत कुमार? मैं आया एसीपी। वो हमारे चेयरमैन को जब गोली मार रहा था तुम सब क्या उखाड़ रहे थे? जीके ने हमसे पूछा तो हम उसे क्या जवाब देंगे? सर इस बार छोड़ दीजिए सर, माफ कर दो सर, गलती होगी सर। डैडी डैडी ये ड्रेस पहन के मैं ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाऊंगी तो ब्यूटी क्वीन बन जाऊंगी ना? ऑफ कोर्स माय चाइल्ड, डेफिनेटली डेफिनेटली तुम ब्यूटी क्वीन बन जाओगी। थैंक्स डैडी थैंक्स। यहाँ क्यों आई है? चल अंदर, तुम अंदर जाओ जाओ। डैडी ने अब बोल दिया ना, चल अंदर चल। yeah!
इतने दिनों हमारा साथ देने वाला वो बैंक चेयरमैन बिना वजह एनकाउंटर में मारा गया। असल में एनकाउंटर कैसे क्यों हुआ डिटेल सब तो मुझे नहीं मालूम। उन्हीं का फोन है, जीके का फोन है। लो तुम बात करो, तुम बात करो, तुम बात करो यार, तुम बात करो भाई। नमस्कार सर। हमारी मदद करने वाला वो बैंक चेयरमैन मार दिया गया। वो पुलिस ऑफिसर जब उसे मार रहा था तो तुम लोग क्या कर रहे थे? सीएम ऑफिस से मैंने फोन तो करवाया था सर, लेकिन तब तक उसे एनकाउंटर में मार दिया। नो! तेरे फोन आने के बाद ही उसे एनकाउंटर किया गया। जब वो 50 करोड़ और मेरे बारे में पूछ रहा था, मैंने बैंक चेयरमैन के सर पे सुना था। एहसान मंद था हमारा, तभी तो उसने जबान नहीं खोली। ये रंजीत कुमार कौन है, उसकी वीकनेस क्या क्या है, सब कुछ पता करके उस कुत्ते का ट्रांसफर कराओ जल्दी। रिश्वत, गुंडे और बम से जो नहीं झुकते वो छोकरी से जरूर झुके। मैना को बुलवाओ। शॉट, स्क्वाश और टेनिस का फर्क तुम्हें जानना चाहिए। जरूर, स्क्वाश का गेम टेनिस का गेम समझकर ही शूज भी पहनने चाहिए तुम्हें। शूज के बारे में कुछ ज्यादा ही बोल रही हो तुम। कहाँ है तुम्हारी दुकान? मेरी दुकान? वही शू शॉप। The bits of damn Stampy, scary the bam. Born with the shine to rule the mind, baby. You gon' drive, never let it stay. The dream of game, Scoopy, naughty gum, man. Oh,
रॉन्ग शू। फॉलो मी। देखो अच्छी तरह, यहाँ हर तरह के शूज मौजूद हैं और हर रंग के शूज हैं। तुम्हें गो कार्टिंग के लिए कौन से शूज चाहिए ये बताओ। क्यों, वैसे ये मेरे पैर है, मेरी मर्जी। कोई भी शूज पहनूंगा, कोई भी रंग के पहनूंगा। वैसे बेकार हो घर बार नहीं है क्या जो मेरे पैरों के पीछे पड़ी हो? हाँ? अगर आपने वादा पूरा नहीं किया तो जनता गड़बड़ करेगी। अब क्या करें? उनको नए ख्वाब दिखाएंगे। सर मैडम मैडम भेजो भेजो। इतनी सी बात चुटकियों में बंदोबस्त हो जाएगा। सी यू बाय। नमस्ते जी नमस्ते। आओ मैना रानी आओ, कैसी हो? तुम तो टीनेज लड़कियां पूछते थे, फिर आज मुझे क्यों ये याद किया बॉस? ओल्ड इज गोल्ड इसलिए ना। वो सब छोड़ो, एक तेज छुरी जैसी कन्या का बंदोबस्त करो। इसलिए उड़ाने का प्रोग्राम है। किसको उड़ाना है? इसको। बाप रे, ये है, इसने मेरी कंपनी का 3 बार लॉकअप करवाया। ये छोकरियों के चक्कर में नहीं आने वाले। कम इन। ओके सर, बैठो। कैसे आना हुआ? यू ही, कल मैं आपसे ठीक तरह से बात नहीं कर पाई। ये क्या, टीवी चैनल्स की तरह रिपीट टेलीकास्ट कर रही हो क्या? रिपीट टेलीकास्ट नहीं, फ्रेश न्यूज बताते हूँ। टुमारो इज माय बर्थडे। ओह, पार्टी कहाँ है? बहुत बड़े ऑफिसर हो ना तुम, मेरा घर कहाँ है पता लगाओ और पहुँच जाओ, पार्टी वहीं दूंगी। अरे ये तो एसी भी साहब की व्हीकल लगती है। हो सकता है, पार्टी तो खूब जमेगी। चलो पहले उसे देखते हैं। अरे सुन, ये क्या, ये तो घर तक ही पहुँच गया। Many, many happy returns of the day. Thank you. Excuse me. Okay. Happy birthday. तुम यहाँ कैसे? आज तुम्हारा birthday है ना? तुमको जो समय दिया था, that's all, baby. मैं कहती हूँ दफा हो जाओ। कितने दिनों ये सीन तुमने और मैंने देखा? मेरी बात ना मानी तो इंटरनेट द्वारा पूरा इंडिया देख के enjoy. Idiot. Get out of here. Get out. How dare you do this? You filthy. क्या बात है? जब मैं बेडरूम में ड्रेस चेंज कर रही थी, इसने छुप के अपने सेलफोन से वीडियो निकाला और इंटरनेट में फीड करके ब्लैकमेल करूंगा कहता है। क्या है? बहुत बोल रहे हो, बीच में कहां से आ गए तुम? हैं? अपने आप को बहुत बड़े मर्द समझते हो हैं? तुम मेरे बारे में बिल्कुल नहीं जानता है? मारेगा क्या? सेल से मेल तो कर सकते हैं, ब्लैकमेल नहीं बे। तुम दोबारा इस इलाके में नजर आए ना तो एनकाउंटर कर दूंगा। थैंक यू, इट्स माय ड्यूटी सर। असल में उससे बचने के लिए ही आपके बहुत करीब आई, जॉगिंग, गो कार्टिंग, स्क्वैश भी खेला। यानी अब हम नहीं मिलेंगे श्वेता? जरूर मिलेंगे, जब भी कोई इसी तरह मुझे परेशान करेगा। अब कोई परेशान नहीं करेगा। क्यों? मैं जो तुम्हारे साथ हूँ।
मेरी जाने जिगर मैंने तुमसे प्यार किया मैंने इकरार किया प्यार किया तले चाहत की राहों में हम आ गए अब ना रुके सिलसिले हो मेरी आंखों में बसी तुम अब मैं क्या देखूं मेरी यादों में तुम्हें तुम अब मैं क्या सोचूं ओए खोए रहते हैं एक दूजे में हम हो खुशबू में तेरा नशा है मैं तो बहकने लगी हूँ दिल से मिले दिल तो राहों में देखो गलियां महकने लगी पाकिस्तान में तुम कहाँ हो जानने के लिए इंक्वायरी भी की है डिफेंस वाले पुलिस वालों को ठीक से इंफॉर्मेशन नहीं देते कह के मैंने बात को टाल दिया तो मान गए तुम्हारी बीवी और बच्चों की नजर में तुम इस वक्त पाकिस्तान में ही हो तुम कब वापस आओगे इसी आशा में वो एक एक दिन गिन रहे हैं मैं 15 अगस्त को रिहा हो रहा हूँ सच सारे के सारे काम वैसे ही पड़े हैं उनके आने का वक्त हो गया है जल्दी करो रामू कब से लगे हो अभी तक बांधा क्यों हो गया माँ जी ठीक है करो करो ठीक है बेटी
क्या रंगोली पूरी नहीं हुई? कितनी देर कर दी? और भी तो काम बाकी है ना? अभी करती हूँ माँ जी। हे भगवान, कोई काम नहीं हो रहा है। अरे सुष्मिता, तुम हाथ जल्दी चलाओ, मेरा मुँह क्या देख रही हो? जल्दी करो ना। क्या बात है माँ, आज कोई त्योहार है क्या? आज हमारे घर में त्योहार ही है। अरे काहे को पहलिया बुझाती हो, अब बताओ ना। बेटा तेरे पिताजी आ रहे हैं। क्या, पिताजी आ रहे हैं? हाँ बेटा। मुझे लगता है तुझे बहुत याद कर रहे हैं। अगर वो मुझे याद करेंगे तो हिचकिया नहीं हार्ट अटैक आ जाएगा। चलता हूँ। सुनो गिरीश, रुको जरा। अरे बड़े भैया तुम भी, पिताजी को देखने इतनी दूर से ड्यूटी छोड़कर चले आए? और नहीं तो क्या, इतनी दूर से मैं आया हूँ और तुम यहाँ रहते हुए भी भाग रहे हो? हाँ, आता ही अगर उन्होंने मुझे देखा तो पता नहीं क्या हो जाए। कोई या तुमको कह नहीं सकता, दोनों के लिए प्रॉब्लम। चलता हूँ भैया। अरे माँ क्या हुआ इसे? 12 साल पहले की डांट अभी तक मन में रखे हुए है। पिताजी ये क्या? मैंने अपने वापस आने पर तुझको जैसा देखूंगा सोचा था, तू वैसा ही है बेटा। सुष्मिता बेटी, जरा आरती की थाली ले आओ। अरे तुम क्या लगा रखी है मेरे दोस्त? अरे भाई ये मेरी बेटी सुष्मिता है। बगल में गिरीश होना चाहिए। कहाँ है वो? आपके आने की खुशी में वो नारियल फोड़ने मंदिर तक गया है। अच्छा, उससे मिलना है, चलो मंदिर चल। कबीर बात कहूँ हम लड़ी, ये दुनिया एक नंबरी तो तुम 10 नंबरी, ये दुनिया एक नंबरी तो तुम 10 नंबरी। बढ़िया गाया हूँ ना? चुप बेसुरे, उधर देख कुछ गड़बड़ लगती है। मर गए। क्या है ये? इसे तूने हॉस्पिटल समझा है क्या? बच्चे में जान नहीं है। तो फिर यहाँ क्यों लाए हो? इसको कहीं शमशान में ले जाओ। गरीब किसान फसल उगाते हैं लेकिन फसल में कभी भी मिलावट नहीं करते। तुम्हारे यहाँ की खाद में मिलावट होने से उसकी फसल बर्बाद हो गई, आदत पड़ गई है मिलावट की। गेहूं में मिलावट, चावल में मिलावट, घी में, दूध में, पानी में मिलावट, पेट्रोल में मिलावट, बीज में मिलावट, वोट में मिलावट, नोट में मिलावट। आखिर इस फसल को बचाने वाले खाद में मिलावट करके गरीब किसानों की जान ले रहा है तू। 1.5 लाख रुपए मरने वाले को गवर्नमेंट दे तो रही है। रूल बनने के बाद भी इन दिनों बहुत से लोगों ने आत्महत्या की है। अरे हमें लेक्चर क्यों दे रहे हो? अपनी गुजारिश लेके सरकार के पास जाओ। सरकार से गुजारिश करने से पहले तुम जैसे लोगों को खत्म करना चाहिए। गरीब किसान बड़ी मुश्किल से रुपया जोड़कर खाद खरीदता है, तुम जैसे बेईमान लोग उसमें मिलावट करके उनकी जिंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हो। उस ट्रक में रखी बोरियां नीचे उतारो। Yeah.
माता पिता की चिता को आग देने वाले इन बेजान हाथों से तुम्हारी बाप की गठियों को चढ़ाऊंगा कुत्ते। पुलिस स्टेशन। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब पकड़ो इसे, इसी ने सब कुछ किया है। कोई कहीं मर गया है बोल के हम सबको बहुत मारा और हमारी बोरियों को भी जला दिया सर। क्या तुमने ही ये सब जलाया है? नहीं मैंने, मैंने नहीं, मैंने 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 नहीं, मैंने नहीं, मैंने नहीं, मैंने मैंने नहीं, मैंने नहीं, मैंने। सुनो सब मैंने मैंने कह रहे हैं, इसका सुभाष चंद्र बोस फैमिली से कोई कनेक्शन है क्या? शायद इनके परदादा उनके साथ थे। वैसे हमें क्या लेना देना, सब लोग मैं बोल रहे हैं। हमारे स्टेशन में दो ही सेल्स हैं साहब, शॉर्ट सर्किट हुआ है बोल के केस को बंद कर देते हैं। तुमसे मैंने आइडिया पूछा क्या? उससे पूछेंगे मुझे मालूम था। अच्छा, यानी मुझे आइडिया नहीं आता क्या? रुको राजेश्वरी, मेरे सवालों का जवाब देने के बाद ही वो आज खाना खाएगा। क्या लगता है आपको, मैं अभी भी छोटा बच्चा हूँ? गिरीश तुम रुको माँ, अगर वो लकड़ी उठाएंगे तो हाथ सामने दिखा के पहले की तरह गिनते गिनते कान पकड़ के मार खाने के लिए। अभी भी छोटा बच्चा नहीं हूँ। वही वही आदत है, आज भी अगर उल्टा बोलेगा तो घर से बाहर निकाल दूंगा तुझे। आपके बिना भी 12 साल हमने बिताए, ये मत भूलिए। इतना गुस्सा है तुझमें, लोगों को इकट्ठा करके ठेकेदार के फर्टिलाइजर्स को क्यों चलाया तूने? बप्पा रावत को नहीं जलाया, शुक्र मानिए। सुन लिया तुमने, बचपन में चाकू मिल जाए तो मार दूंगा बोलता था, और अब जलाने की बात करता है ये तुम्हारा बिगड़ा लाडला। इसमें इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं। दोषियों को सजा देने वाले भगवान राम और कृष्ण की हम लोग पूजा करते हैं ना, और गलती करते हुए इस देश में खौफ फैलाने वाले उग्रवादियों को हमारी सेना मौत के घाट उतार रही है जब, तो उस किसान परिवार की मौत का कारण बने बप्पा रावत से बगावत करना गलत लगा आपको? तुम कौन होते हो बगावत करने वाले? पुलिस जो है। हाँ पुलिस वाले हैं, मगर खुद पुलिस वाले हमारी रक्षा कीजिए कह के गुजारिश करते फिरते हैं। पुलिस वालों के पहुँचने पर तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, तभी सबने दोष अपने ऊपर ले लिया था और बच निकले थे तुम, नहीं तो इस वक्त तुम जेल की सलाखों के पीछे होते। मुझे खूब याद दिलाया, वैसे इस घर से तो मेरे लिए जेल ही बेहतर है। गिरीश बेटा ये क्या बोल रहा है? और नहीं तो क्या माँ, घास खा रहे जानवर के भी मनुष्य नजदीक नहीं जाता, और मुझे खाना खाते वक्त इन्होंने। गिरीश, गिरीश, बचपन में मेरे साथ द्वेष किया, चुप रहा, मगर अब नहीं सहूंगा। ये क्यों ऐसा होता जा रहा है? उसने जो बातें बोली उसे आप ठंडे दिमाग से सोचिए, आप खुद समझ जाएंगी। अरे खल्लू, उस जलाने वाले का नाम क्या है? उसका नाम गिरीश है डैडी। परसों बैंक चेयरमैन को एनकाउंटर में जिसने मारा था उस एसीपी रंजीत कुमार का छोटा भाई है। थैंक यू। सुनिए, हमारा रंजीत है जी। हमने पैसा बैंक में डिपॉजिट किया था और जब बैंक बंद हो गया तो सरकार ने कुछ भी नहीं किया। हम जब मौत से लड़ रहे थे तो कोई बचाने नहीं आया। ऐसी परिस्थिति में बैंक चेयरमैन से लड़ झगड़ के हमारे पैसों को हम सब में बराबर बांटने वाले दिलेर ऑफिसर रंजीत कुमार जी को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। रंजीत कुमार जैसे अगर सब लोग जिम्मेदारी निभाएंगे तो हमारा देश बहुत तरक्की करेगा। तनख्वाह लेना ही हमारी ड्यूटी है, सोचने वाले करोड़ों लोग हैं, उनमें रोज अपनी ड्यूटी को चैलेंज समझ के सच्चाई पर चलने वाले एक रंजीत कुमार जी हैं। उनकी इस सहायता से अंधकार में जी रहे कितने परिवारों के घरों में रोशनी आई है। मैं रंजीत कुमार।
कुमार जी को सादर प्रणाम करता हूँ। वैसे तो इंसानियत के लिए लड़ने वाले, रिस्क उठाने वालों को सरकार प्रमोशन देती है, लेकिन यहाँ हम उनका दूसरी तरह से सम्मान करेंगे। प्रमोशन से नहीं, ट्रांसफर से भी नहीं, पर इस शहर की जनता जरूर एसीपी साहब को इस मेडल से सम्मानित करती है। ये कोई गवर्नर मेडल नहीं या प्रेसिडेंट मेडल भी नहीं, फिर भी बहुत महत्वपूर्ण है। सुनिए, आपको प्रेसिडेंट का दिया हुआ मेडल कहाँ है, नजर नहीं आ रहा? हाँ, नहीं है वो राजेश्वरी। कहाँ गया जी? खो गया, मैंने खो दिया। खो दिया? इतना कीमती मेडल? मैंने बोला ना मुझसे खो गया है, परेशान मत करो। ये लो। क्या गुल्लू, तुम्हें चांदी के कप क्यों पिघलवा रहे हो? क्या मेरे लिए पाजेब बनवाओगे? नहीं। फिर क्या करोगे? हाँ, ये भी लो। सुनिए जी, प्रेसिडेंट का मेडल खोया नहीं, वो रहा, देखिए वहीं पर है। वो मेरा नहीं है राजेश्वरी। तुमने ही बनवाया है, बताओ। अपने सारे कप्स पिघलवा के मैंने ही बनवाया। Surrender all your medals, including the President's Gallantry Award. Including the President's Gallantry Award. तुम पिताजी के गले में ये मेडल देखना चाहते हो, तो पहले कुछ बन के दिखाओ बेटा। क्या है गुल्लू? हाँ। तुम कैंटीन के बदले कपड़ों की दुकान खोलते तो अच्छा होता। क्यों, कपड़ों की दुकान होती तो तुम हर दिन नए कपड़े पहनती। सुनो, हाँ। अगर कोई काम ना करे तो गलत बात है, मगर कोई ना कोई काम करते रहना बड़ी बात है। देखना, इसे एक दिन 5-स्टार होटल बनाऊंगा। गुल्लू, मैं फर्स्ट टाइम रिबन काट रही हूँ, सोच के बड़ी खुशी हो रही है। चाहो तो इस रिबन में से एक टुकड़ा काट के अपने बालों में बांधो, होटल ओपनिंग डेफिनेटली तुम नहीं करोगी। हाँ, रजित भैया आ गए। श्वेता, कौन है ये खूबसूरत कन्या? हाँ, उस रोज भैया के गले में जो मेडल पहना रही थी वही है ये। आओ ना भैया। क्यों सुष्मिता, कैसी हो? बहुत अच्छी हूँ। मिलो श्वेता। हाय। बड़े भैया, चाकू जैसी तेज लगती है, महबूबा है। टाइम हो रहा है, आओ चलो रिबन काटते हैं। हाँ हाँ, चलो ना। कम मेरे नाम से, आपके नाम से बिजनेस करूंगा तो सफलता कदम चूमेगी भैया। अरे माँ कहाँ? वो नहीं आई। क्यों नहीं आई? पिताजी जो नहीं आए, पति परमेश्वर होता है ना, उनकी इजाजत के बगैर
वो कहां से आएगी भैया? वाह, बहुत अच्छी तरह सजा गया है। रंजीत बेटा, रंजीत, रंजीत बेटे, अरे इन हाथों से तुमने कैंटीन खोल दिया। अरे वाह वाह, ये तो खूब चलेगी। अरे बेटा इसको बंद करो, ये खुला रहेगा तो सबकी नजर लग जाएगी मेरे बेटे। सुष्मिता तो कल रात से तुम्हारे गुण गा रही है, उसने तो किसी को सोने ही नहीं दिया। अरे क्या हुआ? क्या कह रहे हैं अंकल, सुमो तो रात भर मेरे साथ यहाँ थी। क्या है ना बेटे, रंजीत के नाम से कैंटीन खोल रहे हो ना, इसलिए। चलो ना बेटे, अब हमारे घर चलो। सुष्मिता ने अपने हाथों से मैसूर पाक बनाया है। मैसूर पाक मुझसे ज्यादा मेरे भाई को पसंद है अंकल। अरे मजा किया हो। कौन है? कस्टमर है भैया के लिए, वो लाइफ है और ये मेरी होने वाली वाइफ है। सुनो बेटिया, चलो घर चलो, टाइम ठीक नहीं है। यहाँ मेरे लिए बहुत काम बाकी, आप जाइए। कैसा काम? सबको बुलाना, वेलकम करना, वो नहीं करना, और मतलब रात भर मैंने इसकी मदद की है ना, इसलिए आज रात को कुल्लू मुझे एक तोहफा देने वाला है। कैसा तोहफा? तू जो शर्माती है बढ़ती ही जाती है, ये प्यास कैसे बुझेगी बता। तन ठीक तो लगता है, मन भी बहकता है, हो जाए मुझसे ना कोई मरना। चाहती रहूं मैं मुझको ना रो तो होना है, जो होने दो अब न तो तो। जालम पर है हम एक दूजे के लिए, एक दीवानी दे एक दीवाना दे। चोरी चोरी दोनों की आंख लड़ गई, ये ना बोल रे वो ना बोल रे, बिन बोले दोनों की नींद उड़ गई। दो नैनों की खिड़की खोल के ये लड़की धीरे धीरे दिल में आ गई, हल्ले हल्ले मुझ पे छा गई। इनमें जीके साहब का माल जा रहा है। माल किसी का भी हो, मुझे चेक करना है। तो कर लीजिए, कम ऑन। पकड़ो इसे, भागने दो। जो कुछ भी करो लेकिन पुलिस वालों से लफड़ा मत करो, मगर तुम्हारे लोगों ने उन्हीं को मार डाला। भैया अगर हम उनको नहीं मारता तो इन वेपन्स के पीछे में अपना जी के साहब का हाथ है, उनको पता चल जाता है, ये तुम समझा? अरे हाँ। कैसे पता चलेगा? वो कोई मामूली बंदूकें नहीं जी, AK-47 है, तभी तो उस केस को उग्रवादियों पे धकेल दिया मैंने। अजीब, भूखों को खाना खिलाओ तो वो खुश होते हैं, लेकिन मुसीबत से बचाने वाले मुझ जैसे को रुपया खिलाना पड़ता है, आप ही तो बोलते थे हमेशा। हेलो, हमारे बैंक चेयरमैन का एनकाउंटर करने वाले उस एसीपी रंजीत कुमार को इस इलाके का एसीपी बनाकर ट्रांसफर किया गया। बड़ा ही डेंजरस ऑफिसर है। सुनील राठौर जी, उससे होशियार रहना, वो कभी भी तुमसे कोई भी फाइल मांग सकता है। जी। वेलकम टू आर पुलिस स्टेशन सर, मैं सुनील राठौर, ये सूरज भान सर। क्या ये? करंट फाइल्स। क्लोज्ड फाइल्स ले आइए। ये क्या सर, आपसे पहले आए ऑफिसर सब चार्ज लेते हैं, हमेशा करंट फाइल्स मंगवाते थे। मैं तो क्लोज्ड फाइल्स ही मांगूंगा, यही मेरा स्टाइल है। ट्रांसफॉर्मर्स इंडिया लिमिटेड कंपनी में वेपन्स मिले थे, ऐसा एक केस फाइल हुआ था ना, फाइनली क्या हुआ? क्लोज कर दी सर। क्या कंपनी? मेरा मतलब फाइल, वैसे ठीक से सबूत हासिल नहीं हुए इसीलिए बंद कर दी। इस फाइल को रीओपन कर रहा हूं।
लोग अंदर जाके सर्च करो। यस सर। आप मेरे साथ आइए। ओके सर। तुम लोग हर तरफ ढूंढो, कोना कोना छान मारो, कोई बच के भागने ना पाए, कोई भी नहीं। जल्दी करो, जल्दी जल्दी ढूंढो। सर ये सब क्या हो रहा है? नजर नहीं आता तुझे? सर सर छोड़िए ना मुझे, साथ आए हैं, छोड़िए ना मुझे। ऐसी भी सामान है। शंकर की सीढ़ी लेता हूँ, संभाल कर रखना। यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला सर। सर हर जगह ढूंढा हमने, कहीं पे भी कुछ नहीं मिला। ठीक है सर। और कुछ देखना है आपको सर? ठीक है, बड़ी बड़ी मछलियों को फंसाता है सर। बड़ी मछली को पकड़ना है तो इस रेट से काम नहीं होगा, चाल बिछाना पड़ेगा। पकड़ने के लिए जाल की भी जरूरत नहीं पड़ी। देख लिया? अपना नाम बता। कुमार वर्मा। मेरा नाम जानता है तू? हाँ, एसीपी रंजीत कुमार। नहीं, एनकाउंटर रंजीत कुमार। चाहूं तो इसी वक्त यहीं पर एनकाउंटर कर सकता हूँ, लेकिन प्राण दान में दे रहा हूँ। कोर्ट में तुझे जीके का नाम जो बताना है। यह क्या, तुम सब मुंह लटका के काय को खड़ा है जी? मेरा माल का क्या हुआ? अरे कोई तो जवाब दो। साइलेंट वाला था क्या? बोलो। मैं चुप रहने वाला नहीं हूँ। मेरा माल मेरे को नहीं मिला तो मैं सबको चुन चुन के खत्म कर दूंगा, समझो तुम लोग? अय्या 2 करोड़ एडवांस काय को लिया तुम लोग? देखिए धोती वाले साहब, चिल्लाइए मत, बड़े साहब आने वाले हैं। शंकर। अरे शंकर राम, टेंशन क्यों ले रहे हो? कुछ नहीं सर, आपको तो टेंशन काय का, पर माल टाइम पर नहीं पहुंचा तो वो श्रीलंका वाले लोग वहाँ मार के यहाँ दफना देंगे, यही टेंशन। वादा करने के बाद माल नहीं पहुंचा, ये पहली बार हुआ, आखिरी बार भी हो सकता है। घर जाओ, माल मिल जाएगा। मैं समझ गया सर, अब नहीं बोलूंगा।
एक डाउट सर, कुमार वर्मा को कल कोर्ट में हाजिर कर रहे हैं, अगर डोंट वरी, वो मेरा आदमी है। कब, कहां, कैसे बोलना है उसे अच्छी तरह से मालूम है। तुम कल कोर्ट में जब पूछताछ हो रही होगी तो बाकी माल को बॉर्डर पार कराने का बंदोबस्त करो। यस, ये फाइल ओपन करो। रुको सर, तो ये चक्रवर्ती के बेटे। लो भाई खूब खाओ। भैया वडे की हालत देखो, उसको पैसा खिलाओ नहीं तो काम नहीं करेगा। अबे क्यों काम नहीं करेगा, मैं तो बड़ा बेगर शेर के भी बना सकता हूँ। उसे देखिए बड़ी मेहनत कर रहा है। वो मेहनत कर रहा है ये सोच के तुम बहुत चिंतित हो, पर वो जिम्मेदारी संभाल रहा है ये सोचकर मैं खुश हूँ। देखो माल। अरे 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 भैया भैया भैया, मम्मी पापा आए हैं। देखो आइए पिताजी। पिताजी मैं अपने हाथों से नाश्ता तैयार करके लाता हूँ। सुनो माँ और पिताजी के लिए मैं नाश्ता बनाऊंगा। भैया प्रोसिक्यूशन के सवाल जवाब तुमने सुने, अब बताओ इस रैकेट में और कौन कौन है तुम्हारे साथ। उसे बोलने दीजिए। उसी के आधार पर सबूतों को इकट्ठा करके मुजरिम को कोर्ट में हाजिर कीजिए। खाइए ना। आओ भैया, माँ और पिताजी के लिए स्पेशली मैंने नाश्ता बनाया है, तुम भी कुछ खाओ ना। सॉरी मैं ड्यूटी पर हूं इस वक्त। कम ऑन सर्च कीजिए। सब कुछ छान मारो। प्याज टमाटर में नहीं भाई, वहां हरी मिर्ची में ढूंढो। पूरा शोरूम हथियारों से भरा पड़ा हुआ है। ये सब स्टोर रूम में कैसे पहुंचे, सच कहता हूं मैं नहीं जानता भैया। परसों जिस ट्रांसफार्मर कंपनी में रेड किया था वहां का माल भी ठीक ऐसा ही था सर। आप तो ईमानदार पुलिस ऑफिसर हैं, रंगे हाथ पकड़ने पे चाहे भाई हो या बाप नहीं छोड़ते। मैंने ठीक कहा ना, प्रूव होना चाहिए ना। और क्या प्रूव होना है, रंगे हाथ पकड़ा गया है, इसे भीतर तो डालना ही होगा। तुम्हारी माँ की आंखों में खुशी देखना चाहता था, लेकिन आंसू दिखाए तूने तो कभी नहीं बदलेगा। तुझसे उम्मीद रखना बेकार है।
मम्मी। वही है रंजीत के पिताजी। क्या मम्मी, रंजीत से कोई बात किए बगैर ही आप मुझे वापस ले आए? क्या बात करते हम, वहां की परिस्थिति ऐसी थी, क्या वो समय था बात करने का? अब मैं बताऊंगी कब बात करनी है, कब उनसे मिलना है, मैं तय करूंगी, तब तक तुम उसे बात मत करना। कैंटीन में पुलिस की ड्यूटी निभाई तुमने और अब भाई का फर्ज निभाने यहां जेल में आ गए हो। वो तो है, बड़े भाई का फर्ज मैंने कभी पूरा नहीं किया। जिंदगी में मेरी वजह से तुम्हें हमेशा नुकसान हुआ। जब छोटा था मेरी वजह से पढ़ नहीं पाया और अब मेरी वजह से उन लोगों ने तुम्हें इस केस में फंसाया जिससे घर भी दूर हुआ। गिरीश, थैंक्स मां, मुझे लगता है आज मेरे लिए भी तुम सब हो आंसू बहाने वाले। कैसे हो बेटा? जेल में हूं पर घर जैसा लगता है, क्योंकि घर में भी हमेशा पिताजी मुझे दोषी ही समझते हैं। उनके बारे में तुम ऐसा बोल रहे हो, लेकिन वो तुम्हारे लिए कितने परेशान है तुम्हें क्या पता। इसलिए जेल से भाग जाऊंगा ये सोच के? ये तो बिल्कुल ही ठीक सोचा है उन्होंने। यानी? उस बोर्ड को देखो, कैदियों की संख्या 213 लिखी है, कल सुबह तक वो संख्या 212 हो जाएगी। देख भाई, ये काम बिल्कुल मत करना। इलीगली उन्होंने तुम्हें फंसाया है तो लीगली मैं तुमको छुड़वाऊंगा। जोश में आकर तुम जेल से कभी नहीं भागोगे, मुझसे वादा करो। कर वादा। हाथ पैर धोकर ही तुम अंदर आई हो ना? ये क्या जी? मंदिर में घुसने से पहले पैरों को धोना पड़ता है, और किसी गलत जगह से आओ तो घर में घुसने से पहले पैरों को धोना पड़ता है। तुम वैसी ही जगह से तो आ रही हो। गिरीश, आप ही का तो बेटा है। जिस दिन वो अरेस्ट हुआ था तभी मर गया था मेरे लिए। आइंदा तुम जेल जाकर मेरी इज्जत खराब मत करना। का करूं राम, हमें चुकड़ी ना मिली। हम का करूं राम, हमें चुकड़िया नहीं मिली। हो इधर आओ, हमको हमको बुलाए साहब। क्या गाने वाने गा रहे हो? कुमार वर्मा के लिए कुछ खास लेके आए हो क्या? आज फेस्टिवल आ रहा है ना, इसलिए हम इसमें बड़ा लाया हूँ। जेल में ये सब नहीं लाना चाहिए भैया। फल फूल बिरयानी और सेलफोन ला सकते हैं का? तो वो सब भी लाए हो क्या? नहीं, ये लाए हैं। है? अरे इतना का ताक रहे हैं, असली है नकली नहीं है? ठीक है ठीक है, बहुत जवान चल रही है, भागो। थंको, थंको। तुम क्या लाई हो बिटिया रानी? जवान खराब कर दी इसने तो। तुम क्या लाई हो? मैं क्या लाई हूँ तुम देख नहीं सकते ना? देखो, ना दिखने वाली चीज नहीं लानी चाहिए जेल में, रूल्स परमिट नहीं करते। जो मैं देना चाहती हूँ बापू देने ही नहीं देता। मतलब? नहीं समझे ना? मैं अपने गुल्लू के वास्ते बहुत सारा प्यार लाई हूँ। वाह, अंदर जाओ और उसको दे दो। अब मैं जाऊँ? जाओ। ले जाएंगे, ले जाएंगे हम दुल्हन गई दुल्हनिया ले जाएंगे। अरे दुल्हन दुल्हनिया ले जाएंगे। इसके बैग में बम है, बम बम बम। नहीं नहीं, जल्दी जल्दी तलाशी लो, जल्दी इसके बैग में बम है। देखिए अभी दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ। बड़ा बम कैसे बन गया? कांस्टेबल, गो एंड अरेस्ट हिम। सर
हो गया तोरी याद में। हेलो सर, एलबी रोड पर एक आदमी के ऊपर किसी ने कार चला दी है। वहाँ पर ट्रैफिक कांस्टेबल श्याम सुंदर होगा, उसे बता भाई। उसी पर तो कार चलाई है सर। क्या? गुड मॉर्निंग, क्यों जी सूरज बान जी? सर गुड मॉर्निंग, मेरे लिए कोई फोन होना है? होम मिनिस्टर के ऑफिस से एक फोन आया। बात क्या है? कुछ खास नहीं सर। और डीजीपी ऑफिस से भी फोन आया था। कोई खास बात नहीं सर। डाटा कलेक्ट कीजिए। और कुछ? श्वेता नाम की लड़के ने 3 बार फोन किया था। सबके सामने क्यों बोलते हो? आप खुल के बताओ। उन्होंने कुछ बताया नहीं सर, 15 मिनट बाद फिर फोन करूंगी कह के फोन रख दिया। अब आप तशरीफ ले जाइए। हेलो। हाय रंजीत, श्वेता बोल रही हूँ। हाय श्वेता, कहाँ से बोल रही हो? घर से बोल रही हूँ। परसों मम्मी और मैं तुम्हारे घर आए थे। फिर मिली क्यों नहीं? कैसे मिलती? वहाँ तुम अपने भाई को अरेस्ट करके ले जा रहे थे, उस वक्त बात करना ठीक नहीं होगा सोच के मम्मी मुझे वापस ले आई। तुम्हारे भाई की गलती क्या? उसकी गलती बिल्कुल नहीं थी, कुछ लोगों की साजिश थी। बस हफ्ते भर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके रिलीज होते ही तुम जैसे अपनी माँ के साथ मेरे घर आई थी ना, वैसे मैं भी अपने पेरेंट्स के साथ तुम्हारे घर आऊंगा मुहूर्त निकलवाने शादी का। क्या बोरिया बिस्तर लेके आ गई तुम? यो जवानी बर्बाद ना हो जाए सोच के जल्दी आ गई। मतलब बिना बताए इस तरह पहुंच जाओगी? मुहूर्त वगैरह निकाल के आती तो क्या तुम मंगलसूत्र तैयार करके बैठते? मैंने सोचा सामने रहूंगी तो तुम्हें इंस्पिरेशन मिलेगा और हम जल्दी एक हो जाएंगे। कौन है? आजा। अरे तुम इतने घबरा क्यों रहे हो? क्या हुआ? क्या हुआ राजेश्वरी, कौन आया है? पता नहीं कुछ बातें सुनाई दे रही थी और ये सूटकेस। ए रंजीत, यहाँ कोने में क्यों आए हो? अपने पिताजी से इतना डरते हो? जा जा, मैं डरता नहीं, मैं तो इज्जत करता हूँ। वैसे उनको हमारे बारे में कब बता रहे हो? पता कहाँ से ये बातें सुनाई दे रही है। देख मेरी जान, तू जा यहाँ से, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। तुम्हारे सामने तुम्हारी महबूबा है और तुम हाथ जोड़ रहे हो, फिर क्या करूँ? यहाँ? ये क्या, पुलिस वाले होकर चोरों की तरह छुपे हो? कौन है ये लड़की? पिताजी ये लड़की, ये लड़की जी मेरा नाम श्वेता है। उस दिन फंक्शन में तुमने ही रंजीत के गले में हार पहनाया था ना? हार नहीं जी, मेडल था। मेडल पहना है, ठीक है। ये सूटकेस लेकर क्यों आई हो तुम? मैं यहाँ एक इंटरव्यू के लिए आई थी तो मैंने सोचा आप लोगों से भी मिल लूंगी। तो मिल चुकी ना, अब जाओ। अंकल जी अगर नौकरी मिलने तक यहाँ रह जाओ। वैसे हमारे घर में एक ही नौकरी खाली है बेटी, वो है इस घर की बड़ी बहू की, वो नौकरी पसंद करोगी?
तस्वीर मुझे छू गई है तेरी आंखें। तुम्हारी शादी का ख्वाब भूल जाओ। एक खूनी परिवार में मैं अपनी बेटी को नहीं भेज सकती। उसके छोटे भाई के बारे में नहीं, उसके पिता के बारे में कह रही, समझ गई तो? उन्होंने 12 साल पाकिस्तान में युद्ध कैदी के रूप में गुजारे हैं। बड़े आर्मी ऑफिसर थे वो। बिल्कुल नहीं, वो तेरे पिता के कातिल है। उन्होंने 12 साल जेल में गुजारे हैं अपने ही देश में कैदी बनकर। पूरी दुनिया के सामने कबूल करना होगा कि उसने तुम्हारे पिता का खून किया है। मैं तब तक उसको माफ नहीं करूंगी। सर जी, वो जीके का बेटा आ रहा है आपसे मिलने के लिए। बेहतर बुलाओ उसे। खुद आया या तुमने बुलाया? मैं कहाँ जानता हूँ सर। उसके बाप को तो जानते हो ना? मम्मी कसम, उसको तो देखा तक नहीं। नाम और बाप का नाम बता रहे तो सोचा शायद जानते होंगे। बुलाओ। सुनो किरण। किरण, तुम्हारे पिता कुकर्मों के उस्ताद है तो क्यों उस्तादों की जन्म कुंडली खोल के सामने रखने वालों में से है? तुम जरा संभाल के आप आ जाओ। ये क्या है? इसे सूटकेस कहते हैं। इसकी वजह से हमारे देश में कितनी सरकारें गिर गईं। तुमको वो सब करने की जरूरत नहीं। जेल में हमारे आदमी कुमार वर्मा पर जो केस है उसे खारिज कर दो तो ये पैसा तुम्हारा होगा। बोनस चाहिए तो हम तेरे निर्दोष भाई को बाहर निकलवा सकते हैं। अरे बाप रे। इसे पिस्तौल कहते हैं। इसकी वजह से कुछ देशों में विद्रोह फैला हुआ है। इसने कितने व्यक्तिगत लोगों के चरित्र को बदल दिया है। और वैसे तुझ जैसे लोगों का एनकाउंटर करने का मेरा बैकग्राउंड भी है। तुम्हारे भाई की जिंदगी हमारे हाथों में है ये जानते हुए भी तुम्हें डर नहीं लगता? जब तेरी ही जिंदगी तेरे हाथों में नहीं तो तुम मेरे भाई की जिंदगी के बारे में क्यों परेशान हो रहे? सुनील राठौर जी, सूटकेस इसे भीतर ले जाओ सर। उसे उठा के इसके सर पे रखो। अरे जाके अपने बाप से बोल कि रंजीत कुमार रिश्वत नहीं लेता, देने वाले को ठोक डालता है। तुम एनकाउंटर का खेल अच्छा खेलते हो लेकिन हमसे ये खेल महंगा पड़ेगा। महंगा सस्ता जो भी हो, मगर मैं तो यही खेल खेलना जानता हूं। तुझे समझाने के लिए बॉल को पॉकेट में डाला और क्यों तेरे हाथ में दिया। लॉकअप में घुसड़ के उनके हाथ पैर तोड़ने की लाठी है हमारे पास। सूटकेस वापस भेज दिया तूने। अब ईमानदारी का रूप कैसा होता है ये तुम हमें दिखाने के लिए आए हो क्या? दिखाने नहीं, खबरदार करने आया हूँ। अंजाम कितना बुरा हो सकता है समझाने आया हूँ। मतलब क्या, धोखेबाजी की हमने? टेंडर पास करवा के खराब प्रोजेक्ट बना के जनता का पैसा लूट रहे हैं क्या हम? हॉस्पिटल में मिलावटी दवाइयाँ बेच के रुपया कमा रहे हैं हम? बस औजार ही तो बेच रहे हैं, इसमें जनता का कैसा नुकसान है? वो नुकसान सामने नजर नहीं आता।
बंदूक के उग्रवादियों के हाथों में होने से अधिकारी घबरा रहे हैं। मंत्री और राजकीय नेता लोग अपनी जान मुट्ठी में रखकर देश को चला रहे हैं। उग्रवाद से भारत देश के कुछ राज्यों में खौफ फैला है तो आतंकवाद से अमेरिका ब्रिटेन जैसे बड़े देश हिल गए हैं। भगवान के दिए दिमाग से ऐसे औजार बेचकर करोड़ों कमा रहा है, हाँ? इसीलिए तेरा खेल खत्म करने के लिए भगवान ने मुझ जैसे ऑफिसर को पैदा किया। तेरे जैसे ऑफिसर्स को चेस बोर्ड में कॉइंस को जैसे घुमाते हैं वैसे अपनी मर्जी से घुमा के किसी जगह ट्रांसफर करवाने की कैपेसिटी रखने वाला पार्लियामेंटेरियन हूँ मैं। ऑलरेडी तेरे भाई को सलाखों के पीछे भेजा, मेरी बात नहीं मानी तो क्या कर लेगा तू? हाँ क्या करेगा? तेरा नाम जीके है तो पार्लियामेंटेरियन है? बोल बे, देश के कौन से राज्य में हूँ, कौन सा जंक्शन, कौन सी गली, कौन सा मोहल्ला? तू अपने सारे दांव पेच लगा ले, जिस साइड से कहेगा उस साइड से वहीं आकर तुझे बर्बाद कर दूंगा। काउंट योर नंबर ऑफ डेज। ये क्या बोलता है सर? अय्या उसकी बातें ही मार जैसी लगती है। अय्या वो मारेगा तो देवा ही बचाएगा। वो क्या मारेगा, हम ही उसे मौत के घाट उतार देंगे। वो काम इतना आसान नहीं है सर जी। सुनो, वो कुमार वर्मा से सच गुलवाएगा, जरूर गुलवाएगा, ये मैं जानता। कुमार वर्मा अब जेल से कोर्ट नहीं पहुंचे। बम 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 बम, अरे गाड़ी रुको, गाड़ी रुको, अरे गाड़ी में बम है, रुको गाड़ी रुको। कुमार वर्मा, कुमार वर्मा सुनो, अरे कहाँ ले जा रहा है? अरे क्या रुको, अरे को, अरे अरे क्या कर रहे हो? ये क्या है, इसे अभी तक नौकरी में रखा हुआ है? निकाल फेंको, कहा था ना बिना बताए निकालने के लिए। ये पॉलिटिकल पोस्ट नहीं है, पुलिस डिपार्टमेंट की नौकरी है। फिर कुमार वर्मा को तुम्हारी आंखों के सामने मार डाला, तब तुम्हारी ये पुलिस डिपार्टमेंट की नौकरी कहाँ थी? मुख्यमंत्री से लेकर आप जैसे सभी मंत्री बुलेट प्रूफ जैकेट्स क्यों पहनते हैं? मुझे अगर आप ये बात एक्सप्लेन करेंगे तो आपके प्रश्न का जवाब मैं डिपार्टमेंट की तरफ से इसी वक्त दे दूंगा सर। क्या भाई, इतने जोश में बकवास कर रहे हो? कुमार वर्मा के साथ तुम्हारा भाई भी उसी वैन में तो था, वो क्यों नहीं मरा, बोलो, कैसे भाग गया वो? इसका मतलब कुमार वर्मा के मरने से ज्यादा मेरे भाई के भागने का गम है। तुमने अपने भाई को भाग जाने दिया? मंत्री साहब, जो मुंह में आया बोलते जा रहे हैं, ये आप जैसे नेताओं का काम है, हम पुलिस वाले ऐसा नहीं करते। मेरे भाई के साथ कल्लू भी बच के भाग गया है, वो दोनों भाग गए हैं या किसी ने भगाया है, ये 24 घंटों में डीआईजी साहब के टेबल पर पेश करूंगा। ये क्या है, इतनी लापरवाही से बात कर रहा था ये? आप जोड़ के फायदा उठाने वाले ऑफिसर हो तो आप लोगों के सामने जुबान नहीं खोलेंगे। देश के लिए कुछ कर गुजरने वाले ऑफिसर आग उगलेंगे, हाँ, शाम होने तक कहीं वो आपके लोगों को पकड़ ना ले। ओ साहब नहीं है, ये तो मेरी सीट पर कैमरा लगा रखा है। ठीक है साहब, तो मैं बोल रहा हूँ, सारी इंफॉर्मेशन मिल गई। हाँ सर, परमेश्वर की ही नहीं, हमारी भी तीसरी आंख है। हेलो रामदास, एसआई सुनील राठौर बोल रहा हूं। एसीपी साहब आज कलेक्टर से मिलने उनके ऑफिस जा रहे हैं, कलेक्टर से शाम तक मीटिंग चलेगी वहां। अच्छा, वो शंकर राम ने फोन किया था, शर्मा कोरिस के पास वेट कर रहा है, मशीन गन्स वगैरह वही सप्लाई करेगा बोल रहा था। तुम जाओ, फोन रख दो, अब रखो भी। सूरज बांजी, मेरे साथ आइए। स्टिंग ऑपरेशन से कंप्यूटर में मेरी फोटो देखते रहना अब नहीं होगा बॉस,
अब तो तुम्हारी फोटो पूरे देश के पेपर्स पे खुल के छपेगी। सर हम कल्लू बोल रहा हूँ। पहचान गया, बोलो कहाँ पर? भागकर फॉरेस्ट में छुप गया हूँ। हम आ जाऊँ कहा? नहीं भाई, तुम वहीं पर रहो। रंजीत को मारने का प्लान चल रहा है, उसके जाने के बाद मरने के बाद आना। रंजीत का खात्मा कर रहे हैं? कब साहब? अभी। कहाँ? शर्मा क्वारिस के पास। आप यहीं रुकिए। जी भैया, भैया जल्दी करो जी, अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। हेलो, बोलो सुनील जी। और इसके पास ही रहना, वो एसीपी वहीं पे आ रहा है। क्या करना है बताना पड़ेगा। सुनो, सब लोग बंदूकें नीचे करो। डाउन 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 डाउन, कम ऑन मूव। नीचे नीचे, बुलेट से नहीं मरना चाहिए। आज से मैं डायनामाइट फट कर बॉडी पीस पीस हो गया, तभी हम हैप्पी हो। Hey, stop there. रुको, मैं तीन तक गिनूंगा, उसके अंदर खुद को मेरे हवाले कर दे, वरना एनकाउंटर अकाउंट में तेरा नाम भी चढ़ जाएगा। वन टू। भैया ये क्या हो गया? कमला जल्दी से ब्लड लेके आओ, जल्दी करो। ये पास जल्दी करो। पूरे शरीर में मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो गए हैं, किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ तो ठीक होगा। नहीं डॉक्टर, यहीं पर रहने दो, रिकवर होने में कुछ वक्त लगेगा। परवाह नहीं डॉक्टर। ओके। किसको फोन कर रहे हो गिरीश? पिताजी को। फोन कट करो पहले। ये बात नहीं अंकल, पिताजी को ये खबर नहीं बतानी होगी। रंजीत की ऐसी हालत है, अपने माँ बाप को नहीं बताओगे वो सह नहीं पाएंगे। तुम्हें कुछ खास बातें बतानी है। आप तुम्हें इस केस में फंसाने वाले मामूली लोग नहीं है, पुराने खिलाड़ी हैं। 15 साल पहले तुम्हारे पिताजी की पोस्टिंग उत्तर प्रदेश में, वहां अपने को करोड़पति कहने वाला जीके ने तुम्हारे पिताजी और उनके दोस्त अमरनाथ को एक दिन अपने घर पार्टी पर बुलाया। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं बहुत दूर से आकर के यहां पर इस राज्य के बॉर्डर में अपना बिजनेस कर रहा हूं। जानते हो क्यों? बहुत रुपया कमाने के लिए। और आज ये पार्टी भी दे रहा हूं, वो भी अपने मतलब के लिए। बिल्कुल, आपको बता दूं कि आज मेरी इकलौती बेटी का जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। और सब ठीक है ना? हाँ, सर आपके लिए फोन आया। मेरे लिए? जी। हेलो सर, मैं हेडक्वार्टर से बोल रहा हूँ। या होल्ड ऑन होल्ड ऑन। मेजर कॉन्फिडेंशियल। या आप उस कमरे में जाके बात कर सकते हैं। नो प्रॉब्लम, मेरा पर्सनल कमरा। थैंक यू। प्लीज एक्सक्यूज प्लीज कैरी ऑन।
हाँ बोलिए अमरनाथ जी। हेलो सर, औजार वगैरह चेक पोस्ट पर लाने का आदेश मिला है, हमेशा की तरह बंदोबस्त करें क्या? नो, मिलिट्री ट्रक में ले जाने से 3 बार टेररिस्टों ने अटैक किया हम पर। उस बार औजारों के साथ साथ हमारे सोल्जर्स को भी हमने खोया है। इस बार वेपन्स को हम लोग प्राइवेट लॉरी में लेकर जाएंगे, किसी को भी शक नहीं होगा। ओके, लेफ्टिनेंट कर्नल अमरनाथ इस ऑपरेशन के इंचार्ज होंगे। ओके सर। गुड जोक। हमें तुरंत हेडक्वार्टर जाना होगा। इस वक्त सर? यस, इट्स एन इम्पोर्टेंट ऑपरेशन। ओके सर। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, वी हैव टू गो। ऑल राइट सर, थैंक्स फॉर कमिंग। ओके अमरनाथ जी, नमस्ते। श्वेता जी मम्मी, चलो बेटा, बाय अंकल। बाय स्वीटहार्ट। राम सिंह सर, देखो सारी की सारी बकरियों को हटा दो। ठीक है सर। हेलो 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 सर, यहाँ पर अटैक हुआ है, आप जल्दी आइए। अमरनाथ, अमरनाथ सर, क्या हुआ अमरनाथ? बताओ सर, बताओ अमरनाथ, अमर कम ऑन अमरनाथ, बोलो अमरनाथ। चाहिए है, लेकिन उस दिन मिलिट्री कोर्ट में सब उल्टा सीधा हो गया। औजारों को प्राइवेट ट्रक्स में क्यों लेकर गया? मिलिट्री ट्रक्स में ले जाने से पहले की तरह टेररिस्ट हम पर हमला करेंगे, इसलिए। फिर भी हमला हुआ ना, वही बात हुई ना। दोस्त को अपने साथ ले जाकर उसे अपने पाप में भागीदार बनाने की सोची। इस ऑपरेशन में आप अमरनाथ को साथ ले गए, लेकिन हकीकत जानने के बाद अमरनाथ आपके खिलाफ हो गया, तो टेररिस्ट के साथ मिलकर आपने उनको बुरी तरह गोली से छेड़ा। नो, दैट्स नॉट ट्रू। सारे सबूतों के आधार पर कोर्ट मेजर जनरल चक्रवर्ती को दोषी मानकर 12 साल की सजा सुनाती है। मिस्टर चक्रवर्ती, सरेंडर ऑल योर मेडल्स इंक्लूडिंग द प्रेसिडेंट्स गैलेंट्री अवार्ड। तुम्हारे पिताजी ने यह हादसा तुम्हें नहीं बताया, तुम्हारे भाई को बताया कि उन्हें बेकसूर साबित कर सके, लेकिन भगवान ने अब वो मौका तुम्हें दिया है। तुम्हारे पिता की तरह तुम्हें भी फंसाया गया है। उन्हें सबक सिखाने के लिए तुम्हें अपने भाई की यूनिफॉर्म पहननी पड़ी। आज से तुम्हारा नाम गिरीश नहीं, ACP रंजीत कुमार है। दिन भी तेरे भैया, अब सुख आयो रे, शराब पियो, मौज करो और लड्डू। नमस्ते सर। क्या बात है, मिठाई बांट रहे हो? तुम्हारा जन्मदिन? नहीं सर, तुम्हारे बेटे का जन्मदिन? मेरी तो सब बेटियां हैं सर। ओहो,
तो तुम्हारी लवर का जन्मदिन? नहीं सर। समझ गया, इसका मतलब किसी को टपकाया होगा, उसी खुशी में जश्न मनाया। हाँ सर, नहीं नहीं सर। ये क्या भाई, पसीने क्यों छूट रहे? ऐसे ही सर, जो भी काम करता हूँ बड़ी मेहनत से करता हूँ, तभी तो पसीना छूट रहा है। मुझे मिठाई पसंद नहीं, बस नमकीन खाता हूँ। सर, देयर वाज अ बॉम्ब ब्लास्ट एट शमक वॉरिस, इज इट ट्रू? सर, इज इट ट्रू? नो कमेंट्स। इनके पूछने पर आप जवाब क्यों दे रहे हैं, आप ही बताइए सर। अच्छा मैं बताता हूँ, नो कमेंट्स। बॉम्ब ब्लास्ट का क्या कारण हो सकता है? नो कमेंट्स। एनी कैजुअलिटी सर? नो कमेंट्स। सर आप भी कुछ बताइए प्लीज। इन्होंने जो बोला ना, मैं भी वही बोलूंगा, नो कमेंट्स। हर प्रश्न का जवाब एसीपी साहब नो कमेंट्स करके दे रहे हैं। पूरी तहकीकात के बाद फिर हाजिर होंगे, कैमरामैन के साथ आपकी अनीता। अकेले आए हैं? मेरा गुल्लू कहाँ है? No comments। गिरीश को कोर्ट ले जाते वक्त अटैक हुआ था, वहाँ पर एक ही मौत हो गई और गिरीश भाग गया, ऐसी खबर आई है, ये सच है? No comments। कुछ बताना। No comments। ये क्या जी, गिरीश के बारे में पूछा तो नो कमेंट्स बोल रहा है? उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सुनिए रंजीत, गुल्लू कहाँ है कम से कम मुझे तो बताइए। क्यों? मेरे पिताजी मेरी शादी किसी और से करने की सोच रहे हैं। कोई बात नहीं, कल मैं तुम्हारे घर आकर टेंशन लूंगा। क्या? दिखला जा। देखिए आप अंदर मत आइए, मैं कपड़े बदल रही हूँ। इसीलिए तो आया हूँ। क्यों? तुम्हें छेड़ने के लिए। आपको तो मैंने बहुत शरीफ समझा था। तुमने गलत समझा। छूना मत मुझे, मैं गुल्लू से प्यार करती हूँ। शादी तो नहीं हुई ना? देखिए अगर मेरे पास आए ना तो क्या कर लोगी? ए ए ए, मुझे नहीं पहचाना सुम्मो। Yeah।
मुझको मेरी आशिकी की कसम, ना तुमसे प्यारा है कोई सनम। होगा कभी प्यार अपना दखम, जिएंगे मरेंगे यूं ही साथ हम। तू ही मेरी है जिंदगी, साथ रहेंगे जन्म जन्म। हाँ ना दूर जाना तू मेरे सनम, चलो मेरे संगत तुम कदम। रंजीत अब कैसा है डॉक्टर साहब? अभी हम कुछ नहीं कह सकते। क्या गिरीश, पिताजी को तो नहीं बताया ना? नहीं बताया क्योंकि मां बहुत रोएगी और उससे पिताजी दुखी होंगे। पिताजी को दुखी करने वाला मैं हूं, तुम नहीं हो। अब तुम बोलने को कहोगे तो भी नहीं बोलूंगा। मुझे रंजीत समझकर पिताजी के चेहरे पर खुशी देख रहा हूं। जेल से गिरीश भाग गया है, क्योंकि मेरे सामने मुझे ही डांट रहे थे तो एंजॉय किया मैंने। लेकिन मुझे एक ही बात का अफसोस है, तुम्हें दिया वचन तोड़ दिया। कैसा वचन भाई? जेल से मैं नहीं भागूंगा ऐसा वचन दिया था और मैं भाग गया। तुम अगर भागे थे तो सिर्फ मुझे बचाने के लिए। ये क्या है? क्लोज्ड फाइल सर। सर करंट फाइल्स लाने को कह रहे हैं। क्यों भाई, मुझे नहीं मालूम क्या? सर हमेशा क्लोज्ड फाइल्स ही पूछते हैं। स्टाइल बदल दिया, जाके सारी फाइल्स लेकर आओ। क्या बात है? ओहो, आप खूब मेहनत करके पसीना बहाते हैं ना? पोछ लीजिए। धन्यवाद सर। सर्दी के मौसम में भी आपको पसीना आ रहा है, मतलब कुछ गड़बड़ है। ऐसी बात नहीं, फाइल में नहीं, आपकी बॉडी में। सर जोक कर रहे हैं क्यों? पसीना पोछ लो। कहते हैं ना, जिसका काम उसी को साधे। सॉरी सर। सर आप मेरे घर पे आए, ये मेरी खुशनसीबी। क्यों भाई, तुमने मुझे नहीं बुलाया, लेकिन मुझे अपने लोगों से बहुत प्यार है, इसीलिए तो बिन बुलाया आठ आपका। वाह वाह, एक पुलिस वाले का इतना शानदार मकान होगा सोचा नहीं था। सर ये सर, ससुराल से मिला होगा। करेक्ट सर, करेक्ट। ये लो नेकलेस, अपनी बेटी को। अरे सुनती हो, अभी आए एसीपी साहब आए। नमस्कार। ये लो नेकलेस, ये तुम्हारे लिए नहीं, बिटिया के लिए है। आप इतना कीमती तोहफा लाएंगे सोचा ना था। रिलायंस कंपनी मेरे नाम करने जितनी खुशी हो रही है मुझे। तुम्हें एक छोटा सा सच बताओगे तो टाटा कंपनी भी तुम्हारे नाम करवा दूंगा। अच्छा। क्या है सर, बताइए ना। कुमार वर्मा ने जो सीडी दी वो कहाँ रखी? बग दे। नहीं, मुझे नहीं मालूम। तो फिर तेरी बेटी के गले में जो नेकलेस है उसमें बम किसने रखा, वो मुझे नहीं मालूम। बम? मर गए, बाप रे, अभी जाके बताता हूँ। रिमोट कंट्रोल तो यहाँ है मेरे पास, यहाँ दबाऊंगा तो वहाँ फटेगा ये जानता हूँ। मत दबाना सर, सर मत दबाना, मैं लेकर आता हूँ सर, मैं लेकर आता हूँ। अरे नेकलेस उतारो, अरे नेकलेस उतारो, जल्दी करो, जल्दी करो। इस नेकलेस में बम है, ये देखो रिमोट। आप भी कमाल है जी, उसमें बम वगैरह कुछ भी नहीं, वो टीवी का रिमोट है। मेरी बात सुन पगली। बात क्या मैं सुनूं, आपकी बेटी तो अभी छोटी बच्ची ही है। फिर ये फंक्शन क्यों? ऐसा करने पर एसीपी साहब आपको प्रमोशन देंगे, उन्होंने कहा था। अरे काहे का प्रमोशन, अगर ये बात जी के जान गया तो वो देगा हमको प्रमोशन ऊपर तक। मुझे उल्टू बनाकर सीडी ले गया साहब जी, अब तक तो उसने देख भी लिया होगा। देखने के बाद वो हम पर किस रूट से आगे अटैक करेगा ये हमको कैसे पता चलेगा? इसी रूट से आ गया। रूलिंग पार्टी के लोग अपोजिशन पार्टी के साथ असेंबली में, गुंडे मवाली जेलों में मिलते हैं और तुम यहाँ। ये जगह तो बहुत बढ़िया है। यहाँ कोई भी खिचड़ी पकाओ, मुर्दे भी सुन नहीं पाएंगे। सुन भी लिया तो उठ के
गवाही देने नहीं आएंगे, काफी सेफ्टी है। वो क्या है सर, इनसे तो मैं पहली बार मिल रहा हूं। क्या बात कर रहे थे इसे मिलके? वो सर मैं ओहो, तुम तो पसीना बहने तक मेहनत करते हो, तो फिर इससे क्या काम पड़ गया? जी वो क्या है? अच्छा, इंटरोगेट करने आए थे? करेक्ट करेक्ट। लेकिन यहाँ इंटरोगेट नहीं करना है, एनकाउंटर करना। चल जल्दी बंदूक उसकी कनपट्टी पे रख के निशाना बांध, सच उगलवा वरना मैं तुम दोनों ने एक दूसरे पर गोली चलाई ये कहकर फाइल बंद कर दूंगा। कम ऑन, अरे आप ए श्री राठौर, हमसे रिश्वत खाके तुम हम पे ही निशाना लगाते हो, मेरे पिताजी को पता चला तो? अगर तुम देर करोगे तो उसका बाप एमएलए ये बोलेगा, जी के उसका फैमिली फ्रेंड है ये बोलेगा। चला गोली, देख मैं 10 गिनता हूँ तब तक गोली चला, वरना अब मुझे गिनती शुरू करनी होगी। 1, 2, 3, 4, 6। चार के बाद 6 नहीं आता सर, 5 आता है। ओके, फिर से शुरू करता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 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
सर जी, मैंने गोली चलाई क्या? बिल्कुल तूने ही चलाई। अरे चुप, बड़ी देर है निकल, तूने मेरे बेटे को मार डाला। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बात तो सुन। अरे यार मेरी मार डालूंगा। अरे साहब चुप, साहब साहब मेरी बात करो यार, चुप करो। इस तरह डर डर के रहने वाले का जीना बेकार। अरे इसे क्यों मार डाला? मैंने मारा तो इसमें गलती क्या? अगर इसको नहीं मारता मैं, श्रीलंका में बैठ के वो लोग हम सबको ह्यूमन बम से उड़वा देता, समझा? बहुत डेंजर है। अगर सीडी पुलिस के हाथ में लग गया तो उनको पता चल जाएगा और हम सबका जान खतरे में। वो सीडी हमको हो ना, उस सीडी में हमने गन्स को कहाँ एक्सचेंज करना है, कैसे एक्सचेंज करना है, वो सब डिटेल है, कुछ समझा? वो सीडी डेफिनेटली हमको चाहिए। अंकल मैं गिरीश बोल रहा हूं। दादी की फाइल्स निकाल के श्वेता ने कुछ इंग्लिश में लिखा है। श्वेता ने चक्रवर्ती की फाइल्स क्यों निकाली? कुछ 7-6 मेरे को समझ में नहीं आ रहा, कल ऑफिस में लेकर आता हूं। देखो मेरी ड्यूटी का टाइम हो गया। हमेशा तुम्हें ड्यूटी की पड़ी रहती है, मुझे 5 मिनट नहीं दे सकते क्या? श्वेता जरूरी काम है। वो तो हमेशा ही होता है। तुम कुछ टेंशन में लग रहे हो? नहीं तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। फिर मेन्यू कार्ड उल्टा क्यों देख रहे हो? क्या है ना, मैं शुरू से ही उल्टा करता आया हूँ ना, इसीलिए उल्टा पुल्टा हो रहा है। ठीक है,
तुम ऑर्डर दो, मैं अभी आती हूँ। यहाँ से बाहर कैसे निकलूं? यारे मुझसे लफड़ा मोल लेने आया है क्या? जानता है मैं कौन हूं? एनकाउंटर किंग। नो, एक्टिंग किंग हो। यूनिफॉर्म पहनकर तुम डिपार्टमेंट को धोखा दे सकते हो, मगर हमको नहीं। तुम्हारा भाई कहाँ है? बताओ भाई कहाँ छुपा है? मैं रंजीत नहीं हूँ, जान गया है तू? इसी तरह मेरा भाई कहाँ है ये भी जान ले तू। मैं तुम्हें कैसे दिख रहा हूँ? बेवकूफ बनाते हो हमको। मेरे पिताजी को जानते हो ना? तू ही अपने पिता को नहीं जानता तो मैं कैसे जानूंगा बे? टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम। तुम्हारा भाई कहाँ छुपा है बताओ? नहीं बताया तो ये बैग तो बचेगा, बैग वाली नहीं बचेगी, समझे तुम? श्वेता, 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 वेलकम मिस्टर डुप्लीकेट। ए, कौन है रे डुप्लीकेट? सिंडिकेट बना के गवर्नमेंट का माल हड़पने वाले चोर हो तुम। मैं हेरा फेरी नहीं करता, समझा? सीधे डायरेक्ट उड़ाता हूँ। श्वेता कहाँ है जिसे तुम उठा लाए हो? पहले भाई का पता बताओ, बड़ा परेशान किया उसने। उसके हाथों में हमारी जिंदगी लॉक है, वो कहाँ है बताओ? हम श्वेता को सौंप देंगे तुझे। ए, 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 मैं ना अपने भाई जैसा नहीं हूँ, मेरा स्टाइल अलग है। बंदूक ऐसे सर पे रख के निशाना लगा के वो पुलिस वाले क्या बोलते हैं? हाँ, क्या बोलते हैं? अबे भागना, मुंह में जबान नहीं है क्या? यू आर अंडर अरेस्ट। हाँ, ये सब बोलना अपन नहीं जानता। अपन तो बस यू आर अंडर धुलाई। एए, रुको। क्यों भाई, मुझे लाकर क्यों दे रही है सोच रहे हो ना? तुम रंजीत नहीं हो, ये इंफॉर्मेशन मुझे इसी ने दी, इसी ने दी हमको। इसके पिता का खून तेरे पिता ने किया था, फिर सब चुपता हो गया। कंफ्यूजन दूर हो गया ना? अब बताओ तेरा भाई कहां है? बोलो। डैडी, कल मेरा जन्मदिन है ना, ये ड्रेस पहन लो। बोलिए ना डैडी। ये छोड़ो, छोड़ो, छोड़ दे इसको, छोड़, छोड़, प्लीज, 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 प्लीज। श्वेता के पिता का कातिल तू ही है, मान ले वरना तू अपनी बेटी का जन्मदिन मरण दिन में मनाएगा। ये कुछ मत करना। हाँ, मैंने मैंने मारा था। इसके बाप का पुलिस मैं ही हूँ। मैंने ही मारा था इसके बाप को। उसे छोड़ दे। एक मिनट रुको, श्वेता तुम जाओ। श्वेता पहले तुम जाओ। डैडी, डैडी मुझे बचाओ, डैडी, डैडी, गीता,
संभाल। सीता मेरी बच्ची। सच को जाने बगैर मुझसे गलती हो गई गिरीश। तुम्हारे भाई ने जो फाइल्स और सीडी संभाल के रखे थे उन तक पहुंचाऊंगी तो मेरी मदद करेंगे, उन्होंने कहा था। उस दिन जब मैं सीडी ढूंढ रही थी तब तुम आ गए और मैं जान गई कि तुम गिरीश हो, और मैंने इन लोगों को बता दिया। लेकिन अब मैं सब कुछ समझ गई हूँ। तुम तुरंत वो सीडी लेकर अपने भाई के पास चले जाओ, देर मत करो। मैं इसी वक्त अपनी मम्मी से मिलकर उनकी सारी गलतफहमी दूर कर दूंगी। सच को जाने बिना इतनी बड़ी गलती की मैंने, चक्रवर्ती जी के पैर पकड़ के मैं क्षमा मांगूंगी। रंजीत के साथ तेरी शादी करके अपनी गलतियों को सुधारूंगी मैं।
दो चार दिन की होती ये जवानी है। हाँ ये जवानी होती तो दीवानी है। हम मेरा है ना अब कोई दुनिया, दिल है मेरा हो गया मैं तुझ पे फिदा। तुझ पे लुटाने आई हूँ मैं अपनी अदा, हूँ ना कभी ना मुझसे जुदा। इसी को ढूंढ रहे हो ना तुम? आपके पास है क्या? रंजीत कहाँ है? कहाँ है मेरा बेटा? ये क्या पिताजी, आपके सामने खड़ा है आपका रंजीत? नो, तुम रंजीत नहीं हो सकते। देखिए पिताजी, मेरी बात को मेरा बड़ा बेटा, अपने दोस्त छिपाने के लिए उसकी यूनिफॉर्म पहनकर तुम घूम रहे हो, उसका क्या किया तूने? बोल, बताओ। ये यूनिफॉर्म पहनने का तुम्हें कोई हक नहीं है, बताओ। भैया की हालत बहुत नाजुक है, मैं आपकी बीती हुई जिंदगी की कहानी जानता हूँ, कैसे बताऊँ मैं आपको? तुम बहुत जिद्दी हो, लोगों को साथ ले जाकर गोडाउन चला देते हो। उस केस में तो तुम किसी तरह बच गए, हफ्ते भर में दूसरे केस में पकड़े गए, जेल में जाके सबको सबक मिलता है, लेकिन तुम वहां भी नहीं सुधरे। तुम जैसा क्रिमिनल इस सोसाइटी में घूमने के लायक नहीं है, बिल्कुल लायक नहीं। कमिश्नर साहब, दिस इज एसीपी रंजीत कुमार फादर स्पीकिंग। नहीं पिताजी, मेरी बात तो सुनिए। कमिश्नर साहब, प्लीज कम इमीडिएटली। गिरीश, रुक जा, मैं कहता हूं रुक जा। गिरीश, रुको, रुक जा। क्या हुआ? रंजीत, ये सब क्या है? आपकी आंखों से आंसू न टपके, इसीलिए गिरीश ने ये बात आपसे छुपा के रखी। ये भाई नहीं होता तो आज मैं आपको इस हाल में भी नहीं मिलता।
वो मेरा सगा भाई ही नहीं बल्कि मुझे प्राण दान देने वाला प्राण दाता है। भगवान ने मुझे दो आंखें दी फिर भी मुझे एक आंख से देखने की आदत क्यों पड़ गई। मैंने बचपन से तुझ में गलतियां ढूंढी, तेरे मन को ना जाना, तुझे ना पहचाना। पिता के रूप में मैं फेल हो गया, बेटे के रूप में तू पास हो गया। पिताजी, क्या देखता है? उस सीडी में क्या होगा मैं तुमको बताता हूँ। लाओ आइए, दे दे इधर। आज इधर माँ शिवरात्रि है। कितने दिनों से वेपन ट्रांसफर करने का मैं प्लान बना रहा था। आज फॉरेस्ट में बेलापुर गांव है, वहाँ शिवरात्रि बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इस फेस्टिवल में थाउजेंड थाउजेंड लोग जाते, उनके बीच मैं लगाऊंगा पावरफुल आरडी एक्स बॉम्ब। वो मैं किधर रखूंगा कोई नहीं जानता। अमरनाथ यात्रा जैसे ही इधर थाउजेंड भक्त जनों के प्राण हवा में उड़ जाए। वो टाइम तुम लोग का पुलिस उन लोगों का मदद करने जाएगा। उस हाथ से मैं, उस हंगामे में हम लोग अपना वेपन को बॉर्डर पर पहुंचा देगा। तुम समझा कुछ? समझा कुछ? कुछ समझा क्या? तुम टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? चल बॉम्ब फिक्स कर। महाशिवरात्रि के दिन उस महाशिव को ये लोग याद करके आनंदमय हो जाएंगे। बुलेट्स कमॉन गिरीश, कमॉन तुम कर सकते हो। शाबाश, कमॉन गिरीश, कमॉन तुमसे होगा। कोशिश करो, फिर से कोशिश करो। शाबाश, तुमसे होगा, ये तुम कर सकते हो। कमॉन गिरीश, तुम कर सकते हो। तुम कर सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। कोशिश करो गिरीश, गिरीश तुम कर सकते हो। कमॉन, थोड़ा और आगे। शाबाश, कमॉन गिरीश, कमॉन। बहुत अच्छे। शंकराम, अय्या कहाँ है तुम लोग? सब वो तो वेट कर रहे हैं इधर। श्रीलंका वाले आ गए? अय्या सब लोग आ गया इधर। कैश लाए क्या? हाँ, कैश मनी सब रेडी, बस तुम्हारा इंतजार है। रास्ते में हैं हम। रास्ता छोड़ो, हटो हटो। सुनो बेटा, इसमें चढ़ावे का दूध है, मैं ऊपर तक चढ़ नहीं सकता, मंदिर तक पहुँचा दोगे? हाँ ठीक है। हर हर शंकर, हर हर महादेव, हर हर शंकर, हर हर महादेव। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
अरे भगवान के पास जाने सब पाप धुल जाता है। तुम लोग ने बहुत पाप किए हैं, तुम भी चलो, तुम्हारे पाप धुल जाएंगे, चलो। मगर हम पश्चाताप करने नहीं आए। फिर कहाँ आए हो? पाप करने आए हैं। पाप मतलब का? सुनो, बोलो। वो टीवीएस में जो लड़का जा रहा है उसे देखो, उस दूध के कैन में आरडीएक्स बॉम्ब हमने रखा है। कहा ठीक भगवान के पास पहुंचते ही वो फट जाएगा। गिरीश, हम कल्लू बोल रहा हूँ। हाँ बोलो कल्लू। बम बम, वहाँ बम है। कहाँ रखा है बम, पता है तुम्हें? हाँ तो पता है। कहाँ रखा है बोलो। ध्यान से सुनो, हम बताता हूँ। कल्लू, कल्लू, क्या हाल चाल है? इस लाश को उठा कर फेंक। कहाँ है बम, कहाँ है बम, बोलो। कल्लू कल्लू प्लीज बताओ, बम कहाँ है, बताओ प्लीज। कल्लू मतलब किसी गाड़ी का नंबर 515। बड़ी अच्छी किस्मत पाई है तुमने, जो मौत के मुंह से जिंदा बचकर आ गए। तुम्हें बॉम्ब से नहीं बल्कि मेरी गोली से मरना लिखा है। Oh!
के लायक नहीं कहकर आज तक डांटता रहा तुझे, और अब इतने लोगों की जान बचाई तूने, तो मन से तुझे शाबाशी देना चाहता था, तो तू दूर हो गया। मेरे बच्चे गिरीश, गिरीश तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? पिताजी मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मेरा हाथ जब छूट गया तो मैंने नीचे फिसल कर सामने एक पत्थर था ना, हाँ। उसे पकड़ लिया, जब वो भी छूट गया तो एक पेड़ की टहनी थी उसे पकड़ के ऐसे ऐसे यूं खींच के ऊपर आ गया, देखा कुछ नहीं हुआ। तुम नहीं बदलोगे। जान जाएंगे, चल। Excuse me, sir. कुछ दिन पहले मेरा छोटा बेटा गिरीश मुझे एक मेडल पहनाने के वास्ते लाया था, तब मैंने उसे मौका नहीं दिया, अब आप इजाजत दें तो मैं उसके हाथों से ये मेडल पहनूंगा। डेफिनेटली गिरीश, इधर आओ।